Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear friends. This is lecture number 2nd from chapter number 4th, Fertilization, Developmental Biology. And... Bismillah ar-Rahman rahim This is lecture number 2nd, and the title for discussion is Species-Specific Recognition of Sperm and Egg from chapter number 4, Fertilization from Developmental Biology for BS Zoology and MSc Zoology student डियर फ्रेंड्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये कल का जो लेक्चर पढ़ना है हमने जो टॉपिक पढ़ना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बहुत फायदेमंद साबित होगा इसको देख लेते हैं पहले डियर <coughs> फ्रेंड्स अगर हम अट्रैक्शन या रिकोगेशन की बात करते हैं स्पीसी स्पेसिफिक रिकोगेशन ऑफ स्पम और एग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पांच बेसिक स्टेप्स हैं

डियर फ्रेंड्स जो एग होगा एग के अंदर जो एग सेल में ब्रेन होगी जो जेली लेयर होगी वहाँ पर एक स्पेशल किस्म का वो केमिकल रिलीज करेंगे एग एक स्पेशल किस्म के केमिकल रिलीज करेगी वाटरी मीडियम के अंदर अभी ये हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो डियर फ्रेंड्स एग की तरफ से वो प्रोड्यूस किए जाए किए गए वो जो केमिकल्स होंगे उन केमिकल्स को डिटेक्ट करने का काम किसका होगा वो आप कहेंगे कि स्पम्ब्स का होगा किसका होगा स्पर्म सेल्स का होगा और इसी तरह से हर स्पीशी के अंदर जो स्पर्म सेल होगा वो सिर्फ़ उसी स्पीशी के एग सेल की तरफ से किए गए प्रोड्यूस केमिकल्स को डिटेक्ट कर पाएगा वो किसी दूसरी स्पीशीज के केमिकल्स को डिटेक्ट करने की उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी तो ये सबसे बेसिक स्टेप आ गया स्पर्म और एग सेल की रिकॉग्निशन के अंदर के पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा कीमो अट्रैक्शन के जरिए से स्पर्म और एग सेल को करीब लाया जाएगा और ये स्पीशी स्पेसिफिक होगी अब सेकंड स्टेप डियर फ्रेंड्स होता है एक्सोसाइटोसिस एक्सो साइटोसिस एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेजिकल डियर फ्रेंड्स अगर एक्रोसोमल वेजिकल की बात करें ना तो एक्रोसोमल वेजिकल असल में अराइज होती हैं गोल्जी अपरेटर से जो कि लेक्चर नंबर सेकंड में हमने पढ़ लिया था अब इनके अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड्स इनके अंदर ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक अब सपोज करें करें ये मेरे पास डियर फ्रेंड्स आ गई एग की पहली बाहर वाली लेयर जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम नाम देते हैं जल लेयर का और जल लेयर के ठीक है तो जो हेड वाला, वाला रीजन के अंदर वाले साइड पर यहां पर आपको वेजिकल देखने को मिलेगी और वो जो वेजिकल होगी उसको हम क्या कहेंगे दिस वन इज नोन एज ए ये वेजिकल आपके पास कहलाएगी

फेजिकल की जरूरत पड़ेगी इज नॉट क्लियर तो ये सारे मैंने जितने भी पॉसिबल काम है वो आपको बता दिए <coughs> अब तीसरी चीज जो होती है फ्रेंड्स वो होती है कि बाइंडिंग बाइंडिंग ऑफ ऑफ टू लेयर का बाइंड करना तो हम यहां पे देख लेते हैं बाइंडिंग ऑफ स्पम बाइंडिंग ऑफ स्पम टू लाइन वाइट लाइन Layer layer of egg. White line layer of egg, egg. So dear friends पर, species specific recognition ke तीसरा, तीसरा काम यहाँ पर क्या होगा dear friends ke जो sperm cell होगा वो egg cell की जो white line layer होगी उसको क्या करेगा रिकोगनाइज करेगा और उसी के साथ जाके क्या कर जाएगा बाइंड कर जाएगा बुक के अंदर इस व्हाइट लाइन लेयर के साथ साथ उन्होंने एक और लफज इस्तेमाल किया है डेट इज दोना व्हाइट लाइन सीड़ा होता है इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझाते हैं कि किस तरह से जो स्प है उसने इसके साथ जाके क्या करना है कॉन्टैक्ट करना है वाइट लाइन ले की बात करते हैं ना तो में सबसे बाहर वाली साइड पर जो लेयर होगी ना सबसे बाहर वाली साइड पर वो जो लेयर होगी उसे हम क्या नाम दे देंगे हम कहेंगे दिस वन इज नोन एसलाइन ले एग में सबसे बाहर वाली साइड पर जो लेयर होगी उस लेयर का नाम क्या होगा उसे हम नाम देंगे डियर फ्रेंड्स वाइट लाइन लेयर ऑफ एग और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है कि वो जो सेल है एग सेल है उसकी शेप को मेंटेन करना और उसका जो इंटरनल कंटेंट है उसको हिफाजत करने का काम किस लेयर का होगा व्हाइट लाइन लेयर का ही होगा उन तमाम काम को परफॉर्म करना अब डियर फ्रेंड्स दूसरी चीज आगे वाट इज जूना पेलोसीडा जूना पिलोसीडा अब जुरा पिलोसीडा जो होता है यही जो व्हाइट लाइन लेयर है ये वाइट लाइन क्या होती है और ये सिर्फ होती है। इस थिक एंड स्पीशी स्पेसिफिक यानी कि ये सिर्फ एक खास स्पीशी के ही जो स्पर्म होंगे उसको अटैच होने की इजाजत देगी वही इसको रिकोगनाइज कर सकेंगे और व्हाइट लाइन लेयर जो कि थिक लेयर थिक में में

और गुजर कर जाना किसके पास जाना एक के पास लेकिन एक के पास जाना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि बीच में मौजूद है एक्स्ट्रा सेलुलर इनवेलप्स मौजूद हैं क्या चीजें मौजूद हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इनवेलप तो डियर फ्रेंड्स यहां पर काफी सारे प्रोसेसेस होंगे जिसके नतीजे में जो स्पम सेल है वो किसके पास जाएगा वो एक्सेल के पास जाएगा अभी आखिरी स्टेप की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स

स्पम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट क्लियर तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो हम कंक्लूड करते हैं आज का स्पेशियस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आज ही हम एक दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे डैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन इज दैट क्लियर यहाँ से कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने पूछ लेना है कमेंट सेक्शन के फॉर्म में स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़